देसी जॉब सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों IAT 2024 आईजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 का कंप्लीट सिलेबस। सो गाइस जैसा कि बात करें IAT 2024 को, तो आईजर से एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो इस चैनल पे आपको बना हुआ है। सो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। गाइस बात करते हैं NCERT सिलेबस की, IAT 2024 का 2024 का सिलेबस क्या होने वाला है। जैसा कि गाइस बात करें यहाँ पे, तो NCERT का सिलेबस जैसा कि मेंशन है वेबसाइट पे कि एज इट इज जो भी NCERT का सिलेबस है IAT 2024 में उसी से रिलेटेड आपका वही सेम सिलेबस आपका रहता है। सो गाइस जानेंगे आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि बात करें दोस्तों बायोलॉजी का, तो IAT में चार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स। चाहे आप PCB के स्टूडेंट हो या आप PCM के स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट या बायो के स्टूडेंट फिर भी आपको बायो देना पड़ेगा अगर आप मैथ्स के हैं, और अगर बायो के स्टूडेंट हैं फिर भी आपको मैथ्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो चारों एग्ज़ाम दोस्तों आपको देना पड़ता है। तो चारों का सिलेबस दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात करें सिलेबस के, सिलेबस जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो दोस्तों बता दें अगर आपको कि आपका जो है बायो और मैथ का सिलेबस है, इसका क्वेश्चन लेवल ज़्यादा टफ नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों ये बायो वालों को भी मैथ देना पड़ता है, मैथ वालों को भी बायो, इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा टफ नहीं रहता। इस लेवल का पूछते हैं ताकि दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट कर लें। सो बात करें यहाँ पे प्लांट किंगडम की, एल्गे प्लांट किंगडम आप एल्गे ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस है, ये सब आप दोस्तों बायो का सिलेबस आप देख सकते हैं। जैसे बायोलॉजी का आप सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इन एनिमल, जिसमें मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये आप देख सकते हैं बायो की। जितने भी स्टूडेंट बायो के हैं ये अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी है, सेल यूनिट्स ऑफ लाइफ, बायो मॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड आप देख सकते हैं, क्योंकि बायो के स्टूडेंट जो हैं अपना सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपका दोस्तों ये सिलेबस है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद गाइस यहाँ पे इकोलॉजी में भी, मतलब ये आपका 11th 12th बायो जो भी NCERT का है वही आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। सो गाइस यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहला चैप्टर आपका मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका मेंशन है, जिसमें आपका सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। सब टॉपिक्स मैटर्स एंड इट्स नेचर, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी है वो आपका देखा जाए, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास परसेंटेज, ये सेम टू सेम दोस्तों सब टॉपिक जो इसका है ये सेम टू सेम आपका NCERT में आपका मेंशन है। सो इसी रिलेटेड आपका एग्ज़ाम होता है, हालांकि एग्ज़ाम जो है आपका गाइस जेई मेन से थोड़ा टफ होता है और इसमें दोस्तों थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस आपका NCERT का रहता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, क्लासिकल ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो आप सब टॉपिक्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डेवलपमेंट, लीडिंग बोहर मॉडल्स, ये सारे सब टॉपिक्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिक टेबल भी आपका यहाँ पे आता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, DNF ब्लॉक, तो DNF ब्लॉक्स, जैसा कि गाइस बताया गया कि आपका NCERT में कुछ चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं पिछले साल, सो वो भी इसमें रिमूव है, यानी कि यहाँ का सेम टू सेम NCERT का ही सिलेबस है। तो DNF ब्लॉक आपका, जैसा कि टी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सारे टॉपिक्स आपका रिमूव है, तो आपका नहीं पूछा जाएगा, जैसा मेंशन भी है यहाँ पे सिलेबस में। सो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे आपका सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर रिमूव हो चुका था NCERT से, वो भी यहाँ पे आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा। और सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक टॉप, ये सभी आपका। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सॉलिड स्टेट भी आपका नहीं है, क्योंकि रिमूव कर दिया गया था फिर से NCERT से, तो वो भी आपका यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत सारे केमिस्ट्री में चैप्टर्स आपके रिमूव हुए थे जो कि नहीं पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन्स,
हेलो एल्कन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, एथर, एथर्स, ये सारी आपको टॉपिक देख सकते हैं बायो मॉलिक्यूल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपका रिमूव कर दिया गया था तो वो भी नहीं आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक दो चैप्टर्स जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो भी आपका नहीं है क्योंकि ये रिमूव कर दिया गया एनसीईआरटी। उसके बाद गाइस बात करें यहाँ पर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट्स एंड लॉजिक, तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी आपका पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, और यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये आपका चैप्टर्स हैं, इंटीग्रेशन। उसके बाद दोस्तों आपको कैलकुलेशन से जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद गाइस यहाँ पे स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग दोस्तों जैसा कि आपका है चैप्टर्स, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे चैप्टर्स जो इसमें हैं आईआईटी में, जेईई मेन वगैरह नहीं है, तो ये दोस्तों आईआईटी का सिलेबस आप देख सकते हैं, एज इट इज एनसीईआरटी का सिलेबस है। फिजिक्स की बात करें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, सो लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद गाइस यहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेम टू सेम वही एनसीईआरटी का टॉपिक, यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन वगैरह, ये सब आपको वेव्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास ट्वेल्थ का ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, और डुअल नेचर्स ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद एटम, न्यूक्लियस, सेमी कंडक्टर भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो है आप सब टॉपिक देखना है, आप देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक पे उसको ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस आपका डिस्कस किया गया है। सो आईआईटी 2024 आई जस्ट रिलेटेड, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसी तरह बेस्ट सपोर्टिव मटेरियल्स, आपको कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक है। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।